ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के बुजुर्ग पिता ने अपने घर में लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मार ली। गोली की आवाज सुन परिजन मौके पर पहुंचे और तत्काल उन्हें लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पूर्व से डिप्रेशन में बताई जा रही, जिनका इलाज भी चल रहा था। घटना ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र की जवाहर कॉलोनी में दोपहर 12 बजे के करीब हुई, जब घर के बुजुर्ग अशोक सिंह राठौर जो कि लगभग 75 साल के थे, उन्होंने खाना खाकर अपने जवाहर कॉलोनी स्थित निवास पर कमरे में आराम करने चले गए। परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में थे, तभी अचानक बगल के कमरे से गोली जैसे तेज धमाके की आवाज आई तो परिजन निकल कर आए तो देखा कि अशोक सिंह राठौर खून से लथपथ पड़े थे और आभासी उनकी लाइसेंस से रिवॉल्वर पड़ी थी। मंजर देखकर पूरे परिवार में चीख और चिल्लाहट मच गई। परिजन उन्हें लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों द्वारा यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक धर्मवीर से सहित अन्य पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, जवाहर कॉलोनी में ये अशोक सिंह राठौर यहाँ रहते थे, ये प्रेमाफेसिया गनशॉट इंजरी का केस है। यहाँ पे उनको गोली लगने के बाद अस्पताल लेके गए जहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ये इनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास है। परिजनों का कहना है कि ये थोड़ा डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ बीमारियों ट्रीटमेंट चल रहा था, तो अभी तो हॉस्पिटल में लेके गए, बाकी फॉरेंसिक टीम हमारी आई हुई है जाँच करवा रहे। जी, गोली इनके सिर में लगी है, सिर में गनशॉट है, इनकी लाइसेंस ही रिवॉल्वर थी उससे लगी है, तो उसी के कारण इनकी मृत्यु हुई है।